हमें अधिकार लेने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। हमारे देश को आजाद हुए करीब 7 दशक से ज्यादा हो गया है, क्या लगता है जो हमारे दलितों के अधिकार हैं वो अभी तक मिले हैं नहीं मिले हैं हमारे लोगों को? तो दलितों के अधिकार हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह मिल चुके हैं, और हमें अधिकार लेने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। जैसा कि अभी जो रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया गया है दिल्ली तुगलकाबाद में, तो जो हमारे सांसद हैं 131 दलित सांसद हैं, जो बाबा साहब के जो उन्होंने संविधान बनाया था उसके जरिए वो वहाँ तक पहुँचे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दलितों के जो है अधिकारों की बात करें, उनके लिए काम करें, लेकिन वो कहीं भी आज इस मामले में नहीं बोले हैं जी। तो क्या लगता है, क्या वो बाबा साहब का जो उन्होंने उनको जो अधिकार दिया था उस पर वो पूरा खरा उतरे हैं नहीं उतरे हैं? नहीं, बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। जबकि हमारा जो तुगलकाबाद में मंदिर तोड़ा गया था, अगर हमारे सभी सांसद एक आवाज़ में खड़े हो जाते तो किसी की दम नहीं थी कि वो मंदिर उसी जगह अभी तक बन के खड़ा हो चुका होता। लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि बाबा साहब ने इतने समाज के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और वो लोग सुरक्षित सीट से चुनकर वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी अपने समाज को बिल्कुल भूल जाते हैं। मैम, जैसे कि आप भी चुनाव लड़ने जा रही हैं MLC का, तो क्या लगता है जो हमारी जो एक दलित समाज है जो काफ़ी उपेक्षित रहा है राजनीति में भी, क्या लगता है क्या राजनीति से उनको अभी तक पूरा वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अब आप देखिए, अभी आपने बताया कि 131 हमारे सांसद चुनकर जा चुके हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो बाबा साहब ने जो भी समझौते किए थे तो सुरक्षित सीट है तो चुनकर तो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि वो लोग चुनने के बाद अपने समाज को बिल्कुल भूल जाते हैं और उसको उसी हालत में छोड़ जाते हैं, और आगे कुछ उनको उनके लिए कुछ काम भी करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टी में अपने आप को विलय कर लेते हैं। एक मैडम, सबसे बड़ा सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपकी जो चुनाव जो लड़ने जा रही हैं आपकी प्रमुख यहाँ पे लोगों के लिए क्या क्या आप करना चाहेंगी, मतलब राजनीति के माध्यम से? देखिए, MLC स्नातक का कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और हमारे जो देश में सबसे बड़ी विडंबना है शिक्षा व्यवस्था की खराब प्रणाली, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, अगर उनको उचित शिक्षा दी जाएगी तो वो आगे बढ़ेंगे और हम एक सुशिक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। अच्छा उषा जी, जो अभी एक मामला सामने आया था उत्तर प्रदेश में, मिर्ज़ापुर है, काफ़ी वो बैकवर्ड जिला माना जाता है प्रशासन की भाषा में, वहाँ पर जो है बच्चों को मिड डे मील में नून रोटी दी गई थी, और जब वो मीडिया में खबर आई तो सरकार ने उन पर ही कार्रवाई कर दी, क्या लगता है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं ढर्रे पर चल रही है अभी तक? सभी लोगों को पता है, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, बिल्कुल ढर्रे पर चल रही है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम और आप वोट तो दे देते हैं लेकिन हमें आपको खुद भी बताने हैं कि हम उनसे क्या जवाब मांगें, क्योंकि जब तक हम वोट देने के साथ साथ हम जागरूक नहीं होंगे कि MLC स्नातक के कार्य क्षेत्र क्या है, तब तक इसी तरह धरने पे ये व्यवस्था बनी रहेगी। आपसे एक सवाल हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, MIT जैसे स्कूल हैं, बाकी और साथ बहुत सारे स्कूल हैं, तो इन स्कूलों में जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, गरीब जो पिछड़ी जातियां हैं, SC OBC जातियां हैं, वहां उनके बच्चे नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप क्या करेंगी? देखिए, 25% का कोटा है, ये आप सभी लोगों को पता है, पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट संस्थान हैं जो भी हैं, सभी में 25% बच्चों को पहुंचना चाहिए, और फिर भी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी जागरूकता की कमी है। तो मैं एक एक व्यक्ति को अपने संदेश के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप जागरूक होइए, अपने बच्चों को वहाँ तक लेकर आइए। मैं अभी भी लोगों की मदद करती हूँ, और बनने के बाद मैं हर बच्चे का 25% का कोटा पूरा करूँगी। जो प्राइवेट स्कूल हैं प्राथमिक स्तर पर, वो एक जरिया बन गए हैं कमाई का जी, वहाँ पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस ली जाती है, और वो जो SC ST OBC वर्ग हैं वहाँ उनकी पहुँच नहीं है, वो कैसे पढ़ पाएंगे गरीब बच्चे? क्या सरकार में आपको यहाँ पर बदलाव करवाना चाहेंगी? बिल्कुल चाहूँगी भाई। आज अगर मैं MLC स्नातक की उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ, तो मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि अपने समाज के बच्चों को जो कई सालों
से बहुत ज्यादा उपेक्षित हैं, उनको न्याय दिलाना है। जो ये सीट है यहाँ पर हमेशा दबंग जातियों का इस पे कब्जा रहा है, आप उनको कैसे टक्कर देंगी, कैसे आपने जीतने का यहाँ पे अपनी जो बनाई है प्लानिंग? मेरी प्लानिंग आप लोग हैं, जो मैंने प्लानिंग बनाई है सिर्फ मैं अपने समाज को लेके चल रही हूँ, मुझे मेरा समाज सपोर्ट करेगा, यही मेरी सबसे बड़ी प्लानिंग है और मैं जीत हासिल करके रहूंगी।